बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ऐसे होंगे। आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज हमने बनानी थी वीडियो जो है मुर्गों की रिपोर्ट बन रही थी उसके ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली ये आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है पीछे, और ये मुर्गे भी हमारे सब भीग चुके हैं। तो हम कहीं भी खड़े होकर जो वीडियो है वो बना नहीं सकते, अंदर अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा। तो मोबाइल का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं कि आपको हमारी जो तस्वीर है वो अच्छे से नज़र आए वीडियो। तो इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना आपको इंटरटेन किया जाए अपने मुर्गों के साथ। ओए गंदा बच्चा, ये देखें पीछे से मुझे हिट किया जा रहा है। गर्मी का दौर टूटने की वजह से आप देख सकते हैं हमारे एक मुर्गे जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले इनका जो प्ले एरिया है ये देख लें, ये इनका स्कूल समझ लें। अब इनका स्कूल जो खर साली का शिकार है बारिश होने की वजह से, अब लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अभी ये इधर एक मुर्गा है और एक ये है बैगम, और ये हमारा चंडूरा, इसको बाबा बोलते हैं। आप देख सकते ये हमारे मुर्गों का जी स्कूल है, आप देख सकते हैं आपके सामने। और ये हमारे पास बतखें भी है जिनको पंजाबी में मग्गे बोलते हैं। ये इनकी नस्ल है मग्गे। बारिश जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा हुई है, हमने बारिश में बहुत ज़्यादा भीगे नहाए हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। अभी तकरीबन 4 बज चुके हैं और अभी तक बारिश जो है वो लगी हुई है। तो हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि हम वीडियो बनाएं, लेकिन वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बारिश ने हमारा सब खेल जो है वो बिगाड़ दिया। हमने छत पर जाकर अच्छी सी वीडियो बनानी थी, आपको अच्छे से बताना था। कल भी मैंने एक जो वीडियो अपलोड किया शायद आपको उसमें समझ आया होगा, क्योंकि मेरे पास जो मेरा दोस्त था वो थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, जो पिछली वीडियो है जो मैंने अपलोड की थी जो मुर्गे आपस में क्यों लड़ते हैं आजकल जो बच्चे होते हैं, ये जो मेन इशू बना हुआ है। तो उसकी वीडियो का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। तो आज हमने एक सीरियसली मैटर पर वीडियो बनानी थी, तो बारिश ने हमारा सब खेल बिगाड़ दिया। तो आज हम वो वीडियो नहीं बना पाएंगे, हम वो वीडियो बनाएंगे चलाकर। आज हम आपको ऐसे ही इंटरटेन करेंगे। ये देखें 14 अगस्त गुजर चुकी है, तो ड्रेसिंग हमने अभी तक पूरी की हुई है। अगस्त चल तो रहा है ना, अभी जो है लंच ब्रेक है, सब मुर्गे जो हैं वो लंच कर रहे हैं। वो देखें वो दूर दराज के इलाकों से आ रही हैं अवामुन्नास लंच करने के लिए, छोटे छोटे बड़े बड़े सब इधर मौजूद, बतखें भी साथ हैं। देखें ये लड़ाई बहुत करते हैं। और लड़ाई से याद आया, हाँ लड़ाई से याद आया, ये जो आपस में कर रहे हैं लड़ाई से मुझे ये याद आया कि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे और सैटरडे को हमारे मुर्गों का जोड़ है, तो वो हमने एक्सटेंड कर दिया है आगे तकरीबन 10-12 दिन आगे लिए गए, क्योंकि मुहर्रम अल हराम की वजह से हम वो नहीं करेंगे। कुछ अदब होना चाहिए, हम मुसलमान हैं तो ये महीना भी आप समझते हैं हमारे लिए बहुत ही सबक महीना है। तो इस महीने में तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा जोड़ कर भी रहे ना तो बिल्कुल ना करे, हमें इंतज़ार करना चाहिए बाकी सब महीने इंजॉय करने के लिए। जो अदब एहतराम का महीना है उसमें हमें अदब एहतराम करना चाहिए। तो हमारा यह जोड़ था, एक शिकारी है, हम उसको शिकारी तो नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं अनाड़ी। उसमें हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, तो हमें उसको पता नहीं था, तो हमने उसको डेट दे दी थी कि ये जो आगे हफ्ता आ रहा है इस हफ्ते को हम आपके साथ जोड़ करेंगे, लेकिन अभी मुहर्रम की वजह से हम बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरा महीना नहीं करेंगे, एक्सटेंड कर दिया आगे ले गए नहीं करेंगे। तो उसने वो जो शिकारी है, मैं फिर आपको बोलता हूँ, मैं उसको शिकारी अनाड़ी बोलता हूँ, पता नहीं किधर से वो एक कुट्टी से ले है, कुट्टी सी मुर्गा ले आया। जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। मुझे तो उस मुर्गे की भी कोई समझ नहीं आई, तो वो कह रहा है आपके पास जो आपका मादी है मैंने उसके साथ जोड़ करवाना है। तो मैंने कहा भाई वेलकम, आ जाओ कोई बात नहीं। तो उसने टाइम भी मांगा था तो हमने हफ्ते का दिया था, लेकिन अब हम नहीं कर रहे, वो जो मर्जी समझे डर गए जो भी है, लेकिन जैसे ही मुहर्रम अल हराम गुजरेगा तो हम उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी होंगे।
अभी बारिशों का मौसम है और बारिशों में आप सब जानते हैं कि बंदा अपनी खुद की केयर नहीं कर सकता, तो जितने माशाल्लाह हमारे पास ये जानवर हैं इनकी केयर करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम पूरी तवज्जो हमारी जो है इनकी तरफ ही है। तो आपको भी यही कहूँगा कि इन दिनों में जितना हो सके इनके ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि अब जो सीज़न आ रहा है बारिशों का, ये जो सीज़न है स्पेल है, ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है हमारे मुर्गों के लिए। हमें चाहिए कि अपने साथ साथ हमें इन बेचारों की भी केयर करनी चाहिए, ताकि ये सेहतमंद तो शिकारी सेहतमंद, इनकी सेहत बिगड़ी शिकारी की सेहत बिगड़ेगी। क्योंकि किसी भी चूज़े की अगर बच्चा, एक छोटा सा बच्चा भी हो ना, वो बीमार होता है तो शिकारी के इधर से नहीं कोई पूछता दिल से कि इसके ऊपर क्या हो रही है। दोस्त, आपने सबसे पहले करनी है हिफाजत अपनी और उसके बाद अपने नन्हे नन्हे चूज़ों की, सिर्फ नन्हे नन्हे की नहीं, बड़ों की भी। ये हमारे पास जो बुजुर्ग हैं जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं बाबा जी, ये हमारे पास बाबा जी हैं, इनकी भी हिफाजत हम नहीं करनी है, ये भी हमारे ज़िम्मे है। और सेकंडली जो और बात आपको बताना मैं भूल गया कि जो सीज़न आ रहा है वो तो आ रहा है हमारा सीज़न, मतलब कि शिकारियों का सीज़न। इस मौसम में जो मुर्गाबाजी होती है ना, कमाल की होती है यार, क्योंकि नौ गर्मी कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मुर्गों पर तवज्जो। मुर्गे जो है इस मौसम में जहाँ पर आ जाते हैं ऐसे हो जाते हैं, और गर्मी में बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। तो ये मौसम है स्पेशल हम शिकारियों के लिए, तो इस मौसम में मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया। ये तो आपको बताया ही नहीं यार, दसो यार कैसा बंदा हूँ मैं, आपको बताया ही नहीं। मैंने अपने चैनल का नाम पहले रखा हुआ था माई विलेज ब्लॉग, आज तकरीबन 6 से 7 माह पहले मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया था। तो सॉरी, मैंने अपने चैनल का नाम जो रखा था माई विलेज ब्लॉग, उस वक्त मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने चैनल भी कुछ इसी तरीके से बनाया था कि मुझे यही कह लें कि इतने गुमान में भी नहीं था कि मैं एक ब्लॉगर बनूंगा या मैं एक यूट्यूबर बनूंगा। मेरा दोस्त आया था, उसने मुझे बना कर दिया था चैनल, तो मैंने भी फ्लो फ्लो में आके स्टैंड ले ली और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वो वाला स्टैंड नहीं, वो जो हम स्टैंड लेते हैं सीरीज ले लिया वो, बाकी स्टैंड तो वीडियो वाला वक्त है। तो मैंने जनाब वीडियो बनाना शुरू कर दी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा करोड़ है, मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी कुछ दिन पहले। मेरे अभी हो जाने से कम अज़ कम भी 30 से 25 हज़ार तो नॉर्मली हो जाने से सब्सक्राइबर, मेरी अपनी गलतियों की वजह से मैं अचीव नहीं कर पाया ये टारगेट इतनी जल्दी। मेरे पास बहुत ज़्यादा मौका था, मैंने नहीं किया। उसके पीछे मसला ये है, रीज़न कुछ यूँ है कि जनाब बे मोहतरम टाइम कितने लगता था नू, बस चौले मारने के लिए टाइम मेरे पास था, चैनल पे काम करने के लिए नहीं था। ये मैं खुद कहता हूँ, अगर मैं उस वक्त काम करता तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा करोड़ बहुत ज़्यादा करोड़। अभी भी कम नहीं, आप जैसे दोस्त हैं माशाल्लाह, आप ऐसे मुझे फॉलो करते रहें, मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आगे अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, तो मैं इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर 30,000 सब्सक्राइबर, 1,00,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। चलें जितने भी आप सपोर्ट करते हैं तो मैं इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर ग्रो करूँगा। कभी कभी ऐसे बच्चों को भी उस्ताद माना पड़ता है। और दोस्तों आपको ये बताना है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ही लिए, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे जो घर की छत है उसे पानी नहीं टपके, हमारे मुर्गों का भी ऐसे ही हाल होना चाहिए कि इनके जो हमने खुडे बनाए थे इनसे पानी नीचे ना टपके। इसके लिए मेहनत की जा रही है, लड़के बारिश में भी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें, बहुत बारिश हुई है, बारिश होने के बाद ये पानी अभी जो कुछ सूख चुका है, कुछ निकल चुका है, लेकिन अभी भी बारिश जारी है, आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। और ये देखें, ये लड़के भी जो हमारे मडी हाउस हैं इन मुर्गों के, उनके मुर्गों के मडी हाउस के ऊपर मड लगा रहे हैं, मट्टी लगा रहे हैं, वो देखें। ये मेरा तजर्बा, और अभी इस बात से एग्री करेंगे, अगर हम कोई भी चीज़ रखते हैं अगर हमको उसके साथ लगाव नहीं होगा तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं। कई बार ऐसे होता है बाज़ औक़ात के लोग शौक़ के लिए बहुत कुछ ले आते हैं, बतखें ले आते हैं, मुर्गियाँ ले आते हैं, मुर्गे ले आते हैं, लेकिन होता क्या है कि भाई उनका शौक़ जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद दिन का मेहमान होता है। जैसे कभी 2000
2010 में पाकिस्तान की बिजली का हाल था, कभी आया कभी गया, शो कैसे होता था, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने शौक, अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो उसकी प्रॉपर हिफाजत करें, अपने से ज़्यादा उनकी केयर करें। तो अभी मेहनतें की जा रही हैं, हम भी जाएंगे मेहनत करने के लिए। ये वाइट शर्ट जो है अभी मैंने पहनी थी कुछ देर पहले, मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ, तो अभी ये मुझे उतारनी पड़ेगी। तो चलिए मैं अब जाने लगा हूँ मड़ी हाउस बनाने के लिए अपने मुर्गों के। तो मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अपना और अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे दोस्तों को और मेरे मुर्गों को। तो मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे